हेलो गाइस, वेलकम टू पीसी निंजा ऑनलाइन वंस अगेन। ये जो वीडियो ये कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, ये बेसिकली एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मैं बेसिकली अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर, वीलॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यूरोप से रिलेटेड। बहुत से लोग हैं जो यूरोप के बारे में जानना चाहते हैं, यूरोप की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर लाइफ कैसी है, यहाँ पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, और स्टडी वीज़ा हो गया, विजिट वीज़ा हो गया, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हम थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इटली में। इस वक्त कोरोना की सिचुएशन क्या है? कोरोना की सिचुएशन एकदम से इसका ग्राफ बहुत हाई हो रहा है, बहुत से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो इटली ने एक स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी जो सुपरमार्केट्स हैं उनकी टाइमिंग्स रिड्यूस कर दी हैं उन्होंने, और शॉप्स की टाइमिंग रिड्यूस कर दी हैं, और जितनी भी पब्लिक एक्टिविटी थी गैदरिंग की वो ख़त्म कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल अब आप डिस्को क्लब्स और पब्स और यहाँ पे जो उनसे गैम्बलिंग के जो छोटे छोटे सेंटर होते हैं जहाँ पे लोग जो उनसे गैम्बलिंग करते थे, ये लीगल है यहाँ पे, तो मशीन्स होती हैं उस पर जाकर खेलते हैं। मैं आपको कभी उसकी भी अभी आपको पिक्चर भी साथ साथ दिखाता रहूँगा, गैम्बलिंग की पिक्चर की और कैसीनोज की मैं आपको साथ साथ आपको पिक्चर्स भी नज़र आती रहेंगी। तो ये जो है सब एक्टिविटीज जो थी ना गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं, और यहाँ पे बिल्कुल आप गैदरिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है आपकी जो आउटगोइंग है वो सिर्फ आपकी स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिकल इमरजेंसी, आप फिर घर से बाहर निकल सकते हैं, जॉब पे जाना है तो फिर आप घर से बाहर निकल सकते हैं, और उसके अलावा जो है अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई खाने पीने की चीज़ें लेनी है तो फिर ही आप बाहर जा सकते हो। और अगर आपको पुलिस ने कैच कर लिया, अगर आप जो उनसे है कहीं और जा रहे हैं और आपने फॉर एग्जांपल पुलिस आपको देख लेती है और आप काम पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको 500 यूरो का फाइन कर सकते हो। अगर आप दूसरी तीसरी दफा वही गलती करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। अच्छा, इन्होंने बड़ा स्मार्ट सा एक इसका एक हल निकाला है कि कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा कैसे जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक आपको बताता हूँ, एक मॉडल उन्होंने दिया है जिसे ऑटो सर्टिफिकेशन उन्हें कहते हैं इटालियन में। एक उन्होंने मॉडल है इस तरह का, ये आपको भी मैं स्क्रीन के ऊपर अभी आपको पिक्चर भी नज़र आ जाएगी। तो ये उन्होंने एक बड़ा एक उन्होंने दिया है, एक मॉडल दिया जिसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट थिंग्स जो थी वो मैंशन किए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ इस खाने में आपको अपना लिखना पड़ता है एड्रेस का, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है आप कहाँ जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और आपकी कहाँ से जा रहे हैं, आपके घर का एड्रेस और आपकी डेस्टिनेशन क्या है। ये दोनों मेंशन करेंगे, और फॉर एग्जांपल अगर पुलिस चेक कर लेती है वो कहती है ठीक है दिखाएं मॉडल, दिखाएं, आप मॉडल दिखाते हैं उनको, उसके ऊपर लिखा है जी आप काम पर जा रहे हैं, काम का एड्रेस ये है और आप घर से हैं और ये है, और आपको देखेंगे ना कि आप राइट वे पे हो। फॉर एग्जांपल ये भी तो होता है ना कि आप लिखो कुछ और कहीं और जा रहे हो, तो उससे आप फिर वो आपको पकड़ लेंगे और आपको 500 यूरो तक का फाइन जो उनका है वो हो सकता है। और लॉकडाउन की सिचुएशन के ऊपर से भी दोबारा से थोड़ी सी बात करें तो इस वक्त जो उनका लिमिटेड हो गई है ट्रैफिक बाहर के लोगों की, लोग ज़्यादातर घर में रह रहे हैं और बिल्कुल पाबंदी है मास्क के बगैर बाहर निकलने की बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बहुत सी शॉप्स में तो आपको ग्लव्स भी पहनना पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट और ये वो, पहले जैसे इन्होंने एक सिस्टम किया था, मैं भी आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी चलाऊंगा, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के थोड़े से स्टिकर्स उन्होंने लगा दिए थे कि भाई एक सीट पे बंदा बैठा है, दूसरी दो सीट्स छोड़ कर फिर उसके बाद अगली सीट पे बंदे को बैठने की परमिशन है। तो इस तरह का ही सिस्टम शुरू हो गया है। मास्क फिर से आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो मास्क के साथ ही निकलना है। तो इस तरह की सिचुएशन है, मेरे ख्याल से वही मार्च और अप्रैल वाला लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि इटली जो है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन से निकला है चाइना के बाद जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव केसेस जो हैं और डेथ्स जो हैं वो हुई थी। तो इसी तरह से अभी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो मैंने आपके बनाई है, अभी आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगा कि बाहर जो है मॉर्निंग में जब मैं गया था तो बिल्कुल टोटल वीरान हुआ हुआ था, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने काम के टाइम पे निकलते हैं, काम के टाइम पे बाहर आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है लोग घर पर स्टे करते हैं, इस वजह से हमें मेट्रोज में बसेज में इतना ज़्यादा रश नहीं मिलता इस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर रूल्स की बहुत फॉलो किया जाता है। यहाँ पर रूल एक्चुअली जो बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट जो सी है पुलिस जो सी है उसे फॉलो करवाती है, तो आप कोई भी हैंकी पैंकी नहीं मार सकते जैसे पाकिस्तान इंडिया जैसी कंट्रीज़ में लॉ के साथ खेला जाता है। तो गाइस इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाजमन बनाऊँगा। और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे हिट द बेल आइकॉन, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है सारी वीडियोज जो सी उसकी डिटेल मिलती रहे। यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी चलेगी, वीलॉगिंग भी चलेगी, और इस तरह से हम आप एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे।
और मैं आगे कोशिश करूँगा कि कुछ डेज जो है वीक में एक या दो दिन लाइव स्ट्रीम पे भी आऊँ, स्ट्रीम यार्ड को हम ज्वाइन करेंगे, उस पर हम डिफरेंट लोगों को भी अपने साथ लेंगे मिलाएंगे और हम लोग एक दूसरे से गपशप भी लगाएंगे, सवाल जवाब भी होंगे और एक और सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड गाइस, पीसी निंजा ऑनलाइन, पीस।